मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक नई नई ताजी ताजी अच्छी अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। आप देख रहे होंगे रिजल्ट्स के लिंक के अंदर मई और जून का रिजल्ट का पॉपअप आ गया है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? क्या इसका मतलब ये सोच लिया जाए कि मई जून में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका रिजल्ट आ गया है, या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि इस लिंक का आने का अर्थ है कि अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि रिजल्ट आ चुका है लेकिन आपको आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो चलिए इन सब भ्रांतियों को, इन सब आपके जो संशय हैं मन में, उनको दूर करेंगे। आप जानते हैं कैसे चेक करना होता है। वी नीड टू क्लिक ऑन रिजल्ट एवरी मोमेंट। जैसे ही रिजल्ट क्लिक करते हैं, यहाँ टॉप लिंक्स में आना होता है। आपका एग्ज़ाम जिस महीने में शुरू हुआ था, दिस इज स्टार्टिंग मंथ, उसको चेक करना होता है। साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसी समय आपको क्लिक हियर फॉर प्रोविजनल रिजल्ट क्लिक करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये रिजल्ट पूर्ण मान्य नहीं है, अर्थात पूरी तरह से इस पर भरोसा करना नहीं है, यूनिवर्सिटी भी आपको कहती है। YCMOU अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सही समय पर सही रिजल्ट देने में वह बिल्कुल नहीं चूकती। तो जैसे आप आएंगे, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिटेल में दे दूंगा, एग्जाम इवेंट में कुछ नहीं आ रहा था। यहाँ पर, यहाँ नथिंग वॉज कमिंग। नाउ व्हाट यूनिवर्सिटी हैज़ रन, अब यहाँ जून भी आ रहा है, यहाँ मई भी आ रहा है, फरवरी तक पहले आया करता था। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। चलिए तो सबसे पहले मई हम लोग लेते हैं। मई लिया, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के PNR नंबर पड़े हुए हैं। मैं 2017 करता हूँ। अच्छा, किसी का आया नहीं, नो प्रॉब्लम। मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि अभी तक PNR तो उपलब्ध है किंतु रिजल्ट नहीं आया है। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं, आप आगे देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वैभव जी का PNR नंबर यहाँ पर पुट कर दिया है। अब मैं कैप्चा भी कर दिया हूँ। कैप्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से सिस्टम समझता है कि ये कोई रोबोट नहीं, कोई इंसान काम कर रहा है। अब जैसे ही मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँगा, आपको रिजल्ट दिखेगा। यहाँ एग्जाम दो चीज़ ध्यान रखना, स्टार मतलब मस्ट भरो, कैप्चा इज केस सेंसिटिव, जो केस में है मतलब अपर लोअर। अब जैसे मैं सर्च करूँगा, आपको एक रिजल्ट दिखेगा। क्या दिख कर के आया? या तो यहाँ रिजल्ट आ जाता था इस सेक्शन में, अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक चीज़ लिख करके आया है, रिजल्ट इज नॉट येट डिक्लेयर्ड बाई यूनिवर्सिटी। क्यों ऐसा लिखा गया? जानते क्यों लिखा गया? इसका कारण एक ही है, लिंक जनरेट कर दी गई है। जिस दिन रिजल्ट उनका हो जाएगा, वो लोग एक फाइल में, एक्सेल शीट में, XML शीट में भर करके पुश कर देंगे डेटाबेस में अपने, और रिजल्ट पॉपुलेट हो जाएगा। तो वो उनका काम चालू है, आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट बनने की ओर है। जैसा कि मेरा प्रडिक्शन आप जानते ही हैं, प्रिपरेटरी का प्रडिक्शन मैं फिर से बता रहा हूँ, 29 जून तक मैं कर रहा हूँ, और फाइनल एग्ज़ाम्स का BA BCom BSc जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनका मैं रिजल्ट प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। कब तक का? जुलाई फर्स्ट वीक, 7 या 10 जुलाई तक आ जाएगा। संभव है कि इस मंथ के एंड 29, 30, 31 तक भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन प्रिपरेटरी का रिजल्ट इसी महीने आना संभव है। और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका एडमिशन चालू है, बिना रिजल्ट आए भी एडमिशन आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप 6 के 6 विषय में फेल हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और जो जिस विषय में फेल हैं उसका आप लोग एडमिशन के साथ साथ एटीकेटी का फॉर्म, जैसे ही आएगा रिजल्ट के बाद एटीकेटी का फॉर्म आएगा, उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। करके आप अपना एटीकेटी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में दे देना, फिर से एक ही बार एटीकेटी दे पाएंगे अप्रैल मई वाले एग्ज़ाम में। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें, बिल्कुल घबराइए नहीं। नो नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू वरी। आप लोग एकदम आगे चलते रहें, काम करते रहें, और जल्द ही मैं अपडेट के साथ आऊँगा। रिज़ल्ट कैसे देखते मैंने आपको बता दिया, अपने मित्रों तक यह वीडियो जरूर दे दीजिए, ताकि रिजल्ट आते ही उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा वीडियो देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राम।